Hello dear children, good morning. Today we will read the chapter that's name is Trains. So let's begin this chapter. Have you traveled on a train? क्या आपने कभी ट्रेन की यात्रा की है? Read and enjoy this poem. इसको पढ़िए और इस poem का enjoy कीजिए. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. तो देखिए यहाँ पे दो जो हमारा साउंड है एक जैसा मिल रहा है, ट्रेन्स और प्लेन्स. तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम राइमिंग वर्ड्स कहेंगे. कैरिंग पैसेंजर, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड्स इन विदाउट फेल. मेल और फेल ये इसका एक जैसा राइमिंग वर्ड, एक जैसा साउंड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, राइमिंग वर्ड्स कहेंगे. नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैसेंजर हम देखते हैं. थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स All rushing on through day and darkness, through dusk and dawn, over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. तो इस तरीके से हमने इस पोएम को क्या किया, रेसाइट किया. अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर द माउंटेन्स. जब आप कभी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आप देखेंगे कि वो डिफरेंट प्लेसेस से होकर गुजरती है ट्रेन. तो यहाँ पे क्या, किससे होकर गुजर रही, ओवर द माउंटेन्स, पर्वत से होकर गुजरती है. और ओवर द प्लेन्स, और कहाँ से होकर गुजरती है, पर्वत के साथ मैदान से होकर गुजरती है, मैदानों से होकर ट्रेन क्या करती है, गुजरती है. ओवर द रिवर्स, और किसके ऊपर से होकर गुजरती है, रिवर्स नदी के ऊपर से होकर गुजरती है. तो आप देख सकते हैं जब आप यात्रा करते होंगे तो ये सब चारों तरफ देखते होंगे. और फिर क्या है ओवर द रिवर्स, ओवर द रिवर्स के बाद आप देखेंगे लिखा है हियर कम द ट्रेन्स. इस तरीके से ट्रेन यहाँ पे क्या होती है, आती है, हियर आती है, मीन्स अलग 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 जगह से आती है, माउंटेन से, प्लेन से, रिवर से होके विभिन्न लैंड फॉर्म्स, जो विभिन्न आकृतियाँ हैं, सभी आकृतियों से, भू आकृतियों से होकर ट्रेन क्या होती है, गुजरती है. फिर है कैरिंग पैसेंजर्स, वो क्या ले जाती है, पैसेंजर्स को ले जाती है, यात्रियों को ले जाती है. कैरिंग मेल्स, पत्रों को ले जाती है. ब्रिंगिंग दियर प्रीसियस लोड्स, और हमारे कीमती सामान को ले जाती है. कीमती सामान में हमारे सामान लगेज होते हैं, मेल्स होते हैं, पार्सल होते हैं, वो सभी को ले जाती है. इन विदाउट फेल, विदाउट फेल मीन्स बिना असफल हुए वो लगातार लेकर जाती रहती है. आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, अपने आपके बुक में बनाया गया है. ये देखिए इस नदी पे ओवरब्रिज बनाया गया है, उस ओवरब्रिज से होकर ट्रेन क्या हो रही है, जा रही है. तो ओवर द रिवर, और उसके बाद वैली, घाटी से होकर जाती है, पर्वत से होकर जाती है. तो इस अनेक अनेक जगह से, विभिन्न भू आकृतियों से ट्रेन होकर क्या होती है, गुजरती है. अब इसके बाद हम आगे देखते हैं. इसके बाद हमारा आगे क्या है, लिखा है थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार. फ्रेट मीन्स होता है भाड़ा, ठीक है. भाड़े के जितने कार है वो भी उसमें कभी कभी लोड करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाए जाते हैं. ऑल रसिंग ऑन, सब क्या करते हैं, रसिंग ऑन, चलते रहते हैं. थ्रू डे एंड नाइट, डे एंड डार्कनेस, दिन में और डार्कनेस अंधकार में, दिन और रात में चलते रहते हैं. डस्क एंड डान, डस्क एंड डान मतलब डस्क का टाइम क्या होता है, जब सूर्यास्त होने का समय होता है तो उसको डस्क कहते हैं. और दिन की जब पहली किरण हमको दिखाई देती है या दिन की शुरुआत होती है तो उसको हम डान कहते हैं. तो सुबह से शाम तक, दिन और रात तक वो ट्रेन क्या करती है, चलती रहती है. अब उसके बाद नीचे है ओवर द माउंटेन्स, ओवर द माउंटेन्स पर्वत से होकर, ओवर द प्लेन मैदान पर, ओवर द रिवर्स नदी के ऊपर, हियर कम द ट्रेन्स, इस तरह से ट्रेन क्या होती है, आती है. तो यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वो वेरियस ट्रांसपोर्ट हमारे अलग अलग तरीके का से वर्क करता है. जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट, वो लैंड पे क्या करता है, मूव करता है. वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर में मूव करता है. और एयर ट्रांसपोर्ट, एयर में मूव करता है. लेकिन ये हमारा ट्रेन क्या है, विभिन्न लैंड फॉर्म्स पे क्या करता है, मूव करता है. जैसे माउंटेन पे भी चलता है, माउंटेन के साथ जब जहाँ पे वाटर होता है तो उसको ब्रिज के थ्रू वो क्रॉस कर जाता है, ठीक है. और प्लेन्स पे चलता है. तो नीचे अब हम न्यू वर्ड्स देखते हैं. यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स लिखे गए हैं नीचे, तो आइए हम इसको देखते हैं. जैसे हमने बताया आपको माउंटेन्स, माउंटेन क्या होता है, पर्वत. पैसेंजर मीन्स क्या होता है, यात्री. रिवर्स मीन्स क्या होता है, नदी. रिवर्स तो यस लगा है, नदियाँ हो जाएगा. प्रीसियस मीन्स कीमती, वैल्यूएबल जिसको कहते हैं. मेल मीन्स क्या होता है, पत्र. और प्लेन मीन्स मैदान,
डस्क मीन्स आपको बताए हैं सूर्यास्त का यानी शाम का समय, सांझ भी कह सकते हैं, और डान मीन्स तड़के सुबेरे यानी दिन की जब शुरुआत होती है तो उसको हम डान कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको क्या कीजिए, न्यू वर्ड्स अपने नोटबुक में नोट कीजिए, हम शीघ्र ही मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।